अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सैफ असलम। आप लोगों का स्वागत है रिजा किचन में। तो आज हम आप लोगों को बना के दिखाएंगे इग्लेस प्लम केक। इग्लेस केक, प्लम केक बना के दिखाएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले जो है हमने सामान जो लिया है आप लोगों को थोड़ा सा झलक दिखाया है। यहाँ पे पूरा सामान नहीं है, आप लोगों को जो हर चीज़ हमने एक एक करके बताएंगे इस वीडियो में, तो आप लोग देखते रहना। तो यह हमारा थोड़ा थोड़ा सामान है, जैसे ड्राई फ्रूट हो गया, ऑयल हो गया और बेकिंग पाउडर, सॉल्ट, ये सब अभी मैंने लिया है और इसमें वनीला एसेंस भी डालेंगे हम। तो सबसे पहले जो लेना है हमको एक यहाँ पे सॉस पैन लेना है। अब इसमें डालना है हमें शुगर। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम के लगभग शुगर लिया है। अभी इस शुगर को हमको बनाना है कैरमल। तो सबसे पहले कैरमल बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, फिर जो है बाद में हमको पानी डालना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कैरमल रेडी हो चुका है। तो अभी हमको यहाँ पे ड्राई फ्रूट डाल देना है। तो ड्राई फ्रूट को डाल के यहाँ पे मिक्स कर देना है। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने ड्राई फ्रूट को यहाँ पे जो है मिक्स करके इसको रख दूंगा। अब हमारा जो है दूसरा प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो इसको हम रख दिया है, अभी एक बॉल ले लिया हमने। बॉल में सबसे पहले हम लेंगे दूध, जो कैट बोलते हैं, यानी कि दही। दही दूध को हमने फाड़ा था, यानी कि लेमन का एक स्लाइस लेमन से हमने दूध को फाड़ा था। और मैंने डाल दिया है यहाँ पे वनीला एसेंस भी डालूंगा अभी थोड़ा सा। और मैंने जो शुगर डाला है वो 150 ग्राम मैंने शुगर डाला है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 50 ग्राम शुगर से कैरमल सिरप बना दिया है। तो इसकी वजह से हमको 150 ग्राम शुगर लेना है, यानी 200 ग्राम हमको शुगर और 250 ग्राम हमको मैदा लेना है इसमें। तो देख सकते हैं यहाँ पे तीन चीज जो है हमारा यहाँ पे हैंड मीटर से मिक्स कर लेना है। चार चीज हो गई अभी। 50 ग्राम ऑयल भी डाला है हमने यहाँ पे। तो ऑयल को भी लेके जो है अच्छे से यहाँ पे हैंड मीटर से व्हीप कर लेना है। तो ये तो क्रीम फॉर्म में नहीं आएगा क्योंकि इसमें अंडा नहीं है, तो ये ऐसा ही रहेगा। अभी डालना है हमें यहाँ पे मैदा और बेकिंग पाउडर और सॉल्ट, यहाँ पे डाल के हमको मिक्स कर लेना है। तो हमने जो है डाला है जैसे 250 ग्राम मैदा डाला है और एक स्पून बेकिंग पाउडर है, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा है और थोड़ा सा सॉल्ट डाला हमने यहाँ पे। अब इसमें डालेंगे हम दूध। दूध डाल के जो है इसको हमने मिक्स करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है ड्राई फ्रूट मिक्स करके रखा था वो अभी डाल दिया है इसमें, कैरमल के सिरप के साथ में जो मिक्स करके रखा था मैंने, अभी उसको भी डाल के हमको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक उसका कलर ना आ जाए प्रॉपर तब तक हमको मिक्स करते रहना है। तो मेन चीज़ है प्लम केक बनाने के लिए, बहुत ज़बरदस्त केक होता है ये, टेस्टी के साथ, यानी कि खाने में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारा जो है बटर रेडी हो चुका है। तो ये हमारा इग्लेस जैसे कि प्लम केक होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने जो है एक टिन ले लिया है, टिन में मैं पहले से बटर पेपर लगा लिया था। अभी मुझे इसमें बेकिंग में डालना है, तो इसको हमने ले लिया है। अभी हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा, यानी कि बादाम डालेंगे हम, बादाम तो नहीं केसू नट डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको थोड़ा सा केसू नट ले लेना है ऊपर। तो देखते हैं अगर यहाँ पे, तो हमने थोड़ा सा लूज टेप बनाया है बटर को, तो चलते हैं ब्रेकिंग में लगाएंगे। तो यहाँ पे देख को हमने ब्रेकिंग किया है 50 मिनट तक, 180 सेल्सियस में 50 मिनट का ये ब्रेकिंग टाइम लगा है, क्योंकि ये इग्लेस था और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर 200 सेल्सियस करते हैं तो बहुत जल्दी भी हो जाएगा। तो मैंने 180 सेल्सियस में और इसको 50 मिनट तक इसको हमने रेडी किया है स्पॉन्ज को। तो देख सकते हैं आप लोग बहुत ज़बरदस्त हुआ है और बहुत सॉफ्ट भी है ये और बहुत टेस्टी है, ज़बरदस्त। तो ये इसको जो हमने केसोनट ऊपर दिया था वो भी अंदर नहीं गया है, यानी कि प्लम केक का यही खासियत होता है, जो केसोनट जिधर रहता है उधर ही बैठ जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं ज़बरदस्त हुआ है पीस यहाँ पे। तो ऐसे ही जो है आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत आसान है प्लम केक बनाना इग्लेस के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं हमने एग वाला भी हमने प्लम केक ऑलरेडी बनाया है। तो आप लोग हमारा YouTube चेक कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो का हम लिंक यहाँ पे डाल देंगे, आप लोग जाके उसमें देख सकते हैं कि हमने एक प्लम केक कैसे बनाया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है। तो प्लीज़ अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करना ना भूलिएगा चैनल को। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।